तहरीक इंसाफ को अपना किबला दुरुस्त करना होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आ गया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के नायब सदर शीरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को अपना किबला दुरुस्त करना होगा, IMF को मुदाखलत का कह रहे हैं, ये इनका काम नहीं। सेनेटर शीरी रहमान का कहना था कि सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं निगरान हुकूमत है, एहतजाज करने वाले हमारी हुकूमत आने का इंतजार करते, हम पुरमन एहतजाज करने से किसी को नहीं रोक सकते, एहतजाज की धमकियों से अब शहरी भी तंग आ चुके हैं, एहतजाज करने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं जाते। शीरी रहमान ने मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट बनने का पहला हक यूसुफ रजा गिलानी का है, मोहसिन नकवी गवर्नर पंजाब होंगे या नहीं फैसला पार्टी करेगी, हमने हुकूमत साजी के लिए सबके लिए दरवाजे खुले रखे थे, पीपल्स पार्टी ने आइन को ही सही रास्ता समझा है, सिस्टम को डीरेल करने की कभी कोशिश नहीं की, पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट में खड़ी रही, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, उम्मीद है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होश के नाखून लेगी।